हेलो गाइस, तो मेरा नाम अखिलेश प्रजापति एंड यू आर वाचिंग एके इमेजिनेशन यूट्यूब चैनल। गाइस, तो लॉकडाउन में नया नया चैनल बनाया है, आई नो 3-4 वीडियो भी अपलोड कर चुके हो, लेकिन एक वीडियो सिर्फ ये नहीं होती कि आप कैमरे के सामने आए और आपने कुछ भी रिकॉर्ड किया एंड उसे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। एक प्रॉपर वीडियो के लिए आपके पास एक अच्छा खासा माइक और एक अच्छा सा कैमरा और उसी के साथ सबसे ज़्यादा बेहद ज़रूरी एक स्क्रिप्ट का होना है और आपका जो टॉपिक है उस पर आपको क्लियर नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में एक कॉलर माइक बनाना सिखाने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड बाकी सभी टॉपिक पर भी इस चैनल पर बेहद जल्दी सभी वीडियो आने वाली हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखना जिससे कि आपको उन वीडियो का नोटिफिकेशन काफ़ी इजीली मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, माइक बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एक पुरानी सी ईयरफोन का। बेसिकली इस ईयरफोन के अंदर से हम केवल दो कंपोनेंट को निकालने वाले हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ईयरफोन चल रही है या फिर बेकार है। अगर बेकार ईयरफोन का यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो फिलहाल इसके अंदर से हम दो कंपोनेंट को निकालने वाले हैं। तो पहला कंपोनेंट है, इसके अंदर से एक माइक को निकालेंगे एंड सेकेंड है, इसके अंदर से हम ऑडियो जैक को निकालेंगे। तो माइक कहाँ होता है मैं आपको बताता हूँ। तो सभी ईयरफोन के अंदर आपने देखा होगा कि बीच में इस तरह की है कि ये डिब्बी सी होती है एंड यहाँ पर एक बटन भी होता है और उसी के साथ में एक छेद भी होता है। तो इसी छेद के अंदर एक माइक होता है, तो उस माइक को हमें निकालना है इस बॉक्स के अंदर से। तो चलिए इस बॉक्स को हम सबसे पहले ओपन करते हैं एंड ये है वो माइक। तो चलिए अब हम अपने सेकेंड कंपोनेंट को निकालते हैं इस ईयरफोन के अंदर से। तो सेकंड कंपोनेंट है ये ऑडियो जैक। तो सिंपली इस ऑडियो जैक को हम काटकर इसके अंदर से निकालने वाले हैं। तो चलिए इस ऑडियो जैक को हम काटकर बाहर निकाल लेते हैं और ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। आप देख सकते हो इसे, कुछ ये इस तरह का ऑडियो जैक होता है हर ईयरफोन के अंदर। तो इसे हम निकाल लेते हैं और ये है हमारे पास एक नॉर्मल सा वायर, जिसे कि हम एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप से लेकर आए हैं। सिंपली आप इस तरह का वायर ला सकते हो या फिर किसी भी तरह के वायर का यूज़ कर सकते हो और उसकी जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बेसिकली मैंने अपने हिसाब से इसे लगभग 2 मीटर का रखा हुआ है, तो ये मेरे लिए काफ़ी होगी। एंड इस वायर से हम जोड़ते हैं इस माइक को। तो कनेक्शन काफ़ी सिंपल है, बस 2 तार इस वायर में है एंड 2 तार उस माइक में, दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं एंड अच्छे से टेपिंग कर देते हैं और इस तरह से आप देख सकते हो ये है माइक। तो आप देख सकते हो इसे हमने काफ़ी अच्छे से फिक्स किया है जिससे ये हिले ना, मतलब कि इसके जो वायर हैं वो बिल्कुल भी लूज़ ना हो। तो चलिए अब हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और आप देख सकते हो ये है मेरे पास एक नॉर्मल सी पेन एंड इसका जो ऊपर का कैप है इसका हम बेसिकली यूज़ करने वाले हैं एक क्लिप बनाने के लिए, जिससे कि जो इस माइक को होल्ड किया जा सके आपके क्लॉथ में या फिर किसी भी चीज़ में। आप पॉकेट में कर सकते हो या फिर आप अपने जो ट्राइपॉड है उसमें भी इसे काफ़ी इजीली फंसा सकते हो। तो बेसिकली इस कैप का हम यूज़ करने वाले हैं माइक को बनाने के लिए। तो बेसिकली इसके ऊपर एक छेद है, इसे हमने पहले से करके रखा है, ये आपके पेन में नहीं आता, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो सिंपली इस छेद के अंदर हम इस माइक को लगा देते हैं और ये हमारा माइक बनकर रेडी हो चुका है। लेकिन ये अभी पूरा माइक नहीं है, इसके लिए हमें ऑडियो जैक भी लगाना पड़ेगा। लेकिन अब हम समझते हैं थोड़ा ऑडियो जैक को, क्योंकि ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको इसे अच्छे से समझना चाहिए, वरना आप जो आप बनाओगे माइक वो काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑडियो जैक को। तो आपका जो नॉर्मल सा ऑडियो जैक होता है उसके अंदर कुल 4 पॉइंट होते हैं, आपने अगर गौर से देखा हो तो उसके अंदर 4 पॉइंट बने होते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट होता है वो होता है लेफ्ट का, जो आपकी ईयरफोन होती है एक लेफ्ट होती है एंड एक होती है राइट। तो एक होता है इसका लेफ्ट का सबसे पहला एंड सेकंड वाला जो होता है वो होता है राइट का, और इसके ऊपर जो होता है वो होता है ग्राउंड, या इसको आप कॉमन भी बोल सकते हो, तीनों में यूज़ होता है। तो इसे आप कॉमन बोल सकते हो या फिर ग्राउंड भी बोल सकते हो एंड इसके जो ऊपर होता है वो होता है माइक का। तो बेसिकली हमें केवल 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक ये है माइक वाला एंड इसके नीचे जो है ग्राउंड वाला, एंड लेफ्ट राइट का हमें कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। बेसिकली हम एक माइक बना रहे हैं तो हमें केवल माइक का और ग्राउंड का, इन दोनों वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस ऑडियो जैक पर हमें वायर को कैसे लगाना है। तो बेसिकली आप इस ऑडियो जैक को ध्यान से देखिए, तो ये है कुछ ऑडियो जैक इस तरह का, और आप ये देख सकते हो ये वाला जो पॉइंट है, एक ये पॉइंट एंड एक इसके नीचे वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पर आपको वायर को
लगाना है, तो इसे मैं सोल्डिंग कर देता हूँ। एंड इसे हमने अच्छे से टेपिंग कर इसका जो पेन का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको इसके ऊपर फिक्स कर दिया है, और ये आपको बिल्कुल एक रियल जिस तरह का ऑडियो जैक होता है उस तरह का मालूम पड़ रहा है। लेकिन ये जो आप ऊपर का ब्लैक ब्लैक दिख रही हो, ये आपका एक पेन का ऊपर का हिस्सा है, उसको हमने इस पर लगाया हुआ है और इसे हमने फेविक्विक की मदद से अच्छे से फिक्स कर दिया है। तो ये आपकी जो माइक है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इस माइक का टेस्ट करके देखते हैं ये माइक किस तरह से काम कर रहा है और इस माइक से कितनी अच्छी और कितनी क्लियर वॉइस रिकॉर्ड होती है। तो चलिए इस माइक को टेस्ट करते हैं। ऑल राइट गाइज, तो ये है हमारा माइक जिसे कि हमने बनाया है। तो ये है इसका माइक जो कि हमने एक पेंसिल के पेन कैप से बनाया है, एंड ये है इसका ऑडियो जैक। तो सिंपली ऑडियो जैक में हमने क्या किया है, ये तो नॉर्मल सा ऑडियो जैक है, एंड ये जो आप कवर देख रहे हो ये पेन का ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हमने काट कर लगाया हुआ है, और ये बिल्कुल एक रियल ऑडियो जैक की तरह लग रहा है। और हमारा जो माइक है वो काफ़ी अच्छा खासा लग रहा है, एंड इसकी जो लेंथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा बना सकते हो। बेसिकली मुझे इतनी लेंथ सही लगी अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो चलिए अब इस माइक को चलाकर देखते हैं। फिलहाल तो हम इस माइक से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो चलिए मैं इस माइक को निकालता हूँ एंड इस माइक को हम लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक कीजिए कि इस माइक का कितना अच्छा लुक आ रहा है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है ये माइक। वैसे आप नॉर्मली कोई भी माइक मार्केट से अगर परचेज करते हो तो उस माइक में क्या होता है कि जो वायर है वो इस तरह से घूमकर अंदर की तरफ जाता है, लेकिन इस माइक में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो जो वायर है वो अंदर की तरफ गया है और बाहर की तरफ से आपको कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा है कि वायर हैवी या फिर नहीं। तो इस वजह से इसका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, एंड आप इसकी जो वॉइस क्वालिटी है उसको भी काफ़ी इजीली सुन सकते हो कि इस माइक से किस तरह की वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। लेकिन यहाँ मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि ये ही माइक नहीं, आप बाज़ार से कोई भी माइक अगर ख़रीदते हो, कोई भी एक्सटर्नल माइक, और उस माइक को आप अपने मोबाइल फ़ोन के नॉर्मल कैमरा ऐप में लगाते हो तो वो वर्क नहीं करेगा। इसके लिए आपको एक एक्सटर्नल वॉइस सपोर्टिंग ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, हो सकता है कुछ फ़ोन में अगर ये फीचर हो तो उनका मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरे स्मार्टफोन में ये फ़ीचर नहीं है, और इसके लिए आपको एक एक्सटर्नल वॉइस सपोर्टिंग ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। और इस तरह के बहुत सारे ऐप प्ले स्टोर पर ऑलरेडी मौजूद हैं, उनमें से आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन ऐप को मैं यूज़ करता हूँ और जिस ऐप को मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ उस ऐप का नाम है कैमरा MX। इस ऐप को सिंपली आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो, एंड इस ऐप में आपको एक छोटा सा चेंज करना है। आपको इस ऐप की सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऑडियो सोर्स फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग, मतलब कि आपकी जो वीडियो में वॉइस रिकॉर्डिंग हो वो किसके थ्रू हो। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है एक्सटर्नल माइक्रोफोन, एंड आपका जो मोबाइल फ़ोन का कैमरा ऐप है वो अब आपके एक्सटर्नल वॉइस को भी सपोर्ट करेगा, और फिर आप इन माइक को काफ़ी ईजिली यूज़ कर सकते हो। और आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और उसी के पास में बने बेल आइकन के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी सभी इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।